हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं एमपीपीसीएस के पुराने वर्षों के प्रीलिम्स के पेपर का डिस्कशन, जहाँ पे हम लोग वर्ष 2013 से लेकर 18 तक के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग वर्ष 2013 से 2018 तक के जो भी जनरल साइंस या कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आए हैं आज डिस्कस करेंगे, साथ में उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट से भी आप लोगों को अवगत कराएंगे। इसके अलावा अगर एमपीपीसीएस से संबंधित आपको कोई स्टडी मटेरियल या फिर कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इस बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो ये दो नंबर आपके लिए दिए गए हैं, इन पर आप कॉल करें, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ष 2013 में आए हुए जनरल साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। तो जो पहला सवाल है वो है ईमेल एड्रेस के बारे में। जो ईमेल एड्रेस होता है जनरली वो दो पार्ट्स का होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन से उसमें दो पार्ट होते हैं, एक यूज़र नेम दूसरा होम एड्रेस, एक लीगल नेम दूसरा फ़ोन नंबर, एक सिग्नेचर दूसरा पासवर्ड, या फिर चौथा यूज़र नेम एंड डोमेन एड्रेस। अब देखिए, अगर आपका मान लीजिए ईमेल एड्रेस है कुछ abc@gmail.com, तो अब देखते हैं इसमें कहीं हमको अपना पासवर्ड तो दिख नहीं रहा, और ना कोई ऐसा होता है जो अपना पासवर्ड रखता है, तो भाई ये तो पक्का गलत है, ना सिग्नेचर है। उसके अलावा हम देखते हैं फ़ोन नंबर इसमें कहीं नहीं है, तो ये भी चीज़ नहीं है। उसके अलावा आपने अपने घर का एड्रेस कहीं डाला है, आप डाल सकते हैं, लेकिन उसमें जो दो पार्ट्स होते हैं उसमें आपका कोई होम एड्रेस का अलग से कॉलम नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो अगर आप इसको एलिमिनेशन टेक्निक से करेंगे तो अपने आप एक ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे जहां पे यूज़र नेम और डोमेन एड्रेस होता है। देखिए, जनरली जो शुरुआत में लिखा होता है ये होता है यूज़र नेम। यूज़र नेम आपके ऊपर है कि आप क्या रखें। यूज़र नेम में हो सकता है आप अपना फ़ोन नंबर भी रख दें, या फिर इसके अलावा हो सकता है आप अपना होम एड्रेस रख दें, लेकिन इसको कहते हैं हम लोग यूज़र नेम। रखना क्या है ये आपके ऊपर है। और फिर जो दूसरा है, जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हो सकता है जीमेल आपको प्रोवाइड कर रहा हो, या कई लोगों को याहू के सर्विसेज लेने में ज़्यादा सिक्योर लगता है, या फिर याहू में उनका अकाउंट होता है, या फिर कई लोगों का हॉटमेल पे अकाउंट होता है, तो ये कौन आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये होता है बेसिकली डोमेन नेम या फिर डोमेन एड्रेस। तो देखिए, ये एग्जाम्पल हमने आपके लिए यहाँ पे लिखा है, abc@gmail.com है, तो जो abc है ये आपका यूज़र नेम है, जो जीमेल है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो है डोमेन नेम। जीमेल की जगह अभी हमने बात की, बहुत सारे हो सकते हैं, याहू हो सकता है, यहाँ पे हॉटमेल हो सकता है, तो कोई भी हो अगर वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इस तरीके की, तो वो हो गया आपका डोमेन एड्रेस। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक मेन्यू किस चीज़ की लिस्ट होती है, क्या वो डेटा की लिस्ट है, ऑब्जेक्ट की लिस्ट है, रिपोर्ट्स की लिस्ट है, या फिर कमांड्स की लिस्ट है। तो इन चीज़ों को आपको डायरेक्टली याद करना पड़ता है। मेन्यू क्या होता है, वो एक कमांड की लिस्ट होती है, उसमें एक पूरी इस तरीके से लिस्ट दी होती है, कमांड्स दिए होते हैं, आपको उनमें से कोई एक चुनना होता है और उस अनुसार कोई भी फंक्शन परफॉर्म होता है। तो मेन्यू आपको याद रखना है, कमांड की लिस्ट होती है। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है, क्या उसे स्पूफ कहा जाता है, स्पूल कहा जाता है, स्निफर स्क्रिप्ट किया जाता है, या फिर स्पैम कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखे होंगे आपके ईमेल बॉक्स में एक अलग से यहाँ पे छोटा सा कॉलम रहता है स्पैम्स का, और अगर आप जनरली उस पर्टिकुलर स्पैम को खोल के देखेंगे, उस फोल्डर को देखेंगे, तो उसमें अलग अलग टाइप के अनवांटेड मेल होंगे, कि वज़न कैसे घटाएं, हाइट कैसे बढ़ाएं, या फिर कोई प्रमोशन होगा, किसी पर डिस्काउंट चल रहा होगा, फ्लिपकार्ट का होगा, मिंत्रा का होगा, तो ये सारे जो आपके अनवांटेड मेल्स हैं ये सारे होते हैं जंक मेल। और जंक मेल को और दूसरी जो टर्म दी गई है वो है स्पैम। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आगे भी इस एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो आप इस चीज़ को मेमोराइज़ कर लें अच्छे से। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। अब पहले बात करते हैं हार्डवेयर होता क्या है, तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, हार्डवेयर क्या है, आपके कंप्यूटर में जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, जिस चीज़ को टच करते हैं, बेसिकली जो फिज़िकल फॉर्म में प्रेजेंट है, भले ही देख लीजिए वो, अगर आप कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपका कीबोर्ड हो सकता है, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, अगर आप कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपका मॉनिटर हो सकता है, उसमें सीपीयू हो सकता है। उसके अलावा अगर लैपटॉप हम खोल के देखें तो उसके अंदर जो चीज़ें होती है, जैसे कि मदरबोर्ड है, या फिर उसमें कोई चिप है, या फिर उसमें रैम है, या फिर ग्राफिक कार्ड है, तो ये वो सब चीज़ें हैं जिसमें आप जिनको टच कर सकते हैं।
सबसे इजी कॉन्सेप्ट है ये समझने के लिए। तो उन सभी चीज़ों को आप कहेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर। अब देखिए, माउस है, माउस को हम टच कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर होगा। यहाँ पे बोल रहा है नॉट एन हार्डवेयर, तो हमको ढूंढना है कौन सा हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर जो होता है उसको भी आप इधर से उधर कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये भी नहीं है। मॉनिटर को भी आप टच कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल, एक्सेल को आप टच कर सकते हैं, तो नहीं, आप उसको टच नहीं कर सकते। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे तो पहले तीन तो वैसे ही कट गए, तो यही बचा। और बाकी अगर हम एक्सेल के बारे में देखें तो ये एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इस पर हम लोग काम तो कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर है, ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बिल्ड किया गया है। एक्सेल में आप देखेंगे इस तरीके की शीट्स तैयार की जाती हैं। यहाँ पर सबसे छोटा जो यूनिट होता है इसको हम सेल कहते हैं, उसमें जनरली डेटा एंट्रीज हम लोग करते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए, एक्सेल सॉफ्टवेयर है, बाकी जितने भी बताए गए हैं वो सारे हार्डवेयर हैं। एक्सेल क्या है? ये एक स्प्रेडशीट है, और ये बनाई किसने है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, ये आप ध्यान रखें। हो सकता है एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसके द्वारा बनाया गया है, गूगल द्वारा है या फिर एप्पल द्वारा है? तो आपको ध्यान रखना है ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, और इसके बहुत सारे वर्जन आते हैं। विंडो का वर्जन आता है, मैक यानी कि एप्पल के लैपटॉप का वर्जन आता है, एप्पल के फ़ोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है उसका वर्जन भी आता है, और एंड्रॉयड वर्जन भी इसका आता है। तो ध्यान रखना है एक्सेल जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो है, किस टाइप का कंप्यूटर जो है वो आपको डिजिटल वॉच में मिलेगा। अब देखिए, डिजिटल वॉच जो है वो छोटी सी इस तरीके की वॉच होती है, उसमें आपको डिजिटल वर्ड्स में टाइम दिखाई देता है। तो क्या इसमें आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर मिलेगा, क्या सुपर कंप्यूटर मिलेगा, क्या नोटबुक कंप्यूटर मिलेगा, या एम्बेडेड कंप्यूटर मिलेगा? देखिए, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं तो वो तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंप्यूटर होते हैं वर्ल्ड के, और वो सबसे ज़्यादा क्विक होते हैं, सबसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वो चंद सेकेंड्स में कर देते हैं। तो ये बात तो श्योर है, घड़ी में सुपर कंप्यूटर नहीं होगा। बात आती है मेन फ्रेम और नोटबुक की, तो मेन फ्रेम और नोटबुक भी नहीं होते, ये आपके जनरली लैपटॉप्स होते हैं, या फिर जो आपके घर पे आप डेस्कटॉप सेट करते हैं वो होते हैं। तो आपका एम्बेडेड कंप्यूटर बचा। अगर आप एम्बेडेड वर्ड पे जाएं तो इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर जुड़ा हुआ, मतलब उसके एक छोटा सा अंदर पार्ट है जो एम्बेडेड है, उसमें उसके अंदर जुड़ा है। तो अगर हम डिजिटल वॉच की बात करें तो यहाँ पे डिजिटल वॉच के अंदर एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। अब अगर इसके आंसर को देखेंगे, डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, तो देखिए डिजिटल क्लॉक के अंदर क्या मिलता है आपको? एम्बेडेड कंप्यूटर मिलता है। एम्बेडेड कंप्यूटर का क्या मेन एम होता है भाई? ये जो होते हैं ये पर्पस बिल्ड कंप्यूटर्स होते हैं, यानी किसी एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए कंप्यूटर हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लॉक को या फिर हम बात करें तो वॉच को चलाना इसका मेन पर्पस है, टाइम दिखाना इसका मेन पर्पस है। तो ये बस अपने इस पर्पस को परफॉर्म करेगा, तो ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। सॉफ्टवेयर कंट्रोल टास्क करता है, ये बहुत अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। कई व्हीकल्स में यूज़ होता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूज़ होता है, डिजिटल साइनिंग में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज़ होता है। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। आपको याद ये रखना है, किसी भी चीज़ के अंदर कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए अगर कोई कंप्यूटर लगा हुआ है तो उसको आप कहेंगे एम्बेडेड कंप्यूटर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पे दो तीन बार रिपीट हुआ है 6 से 7 साल के अंदर अंदर। देखिए, क्वेश्चन है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का इनमें से कौन इन्वेंटर है? क्या एडवर्ड कैसनर हैं, बिल गेट्स हैं, टिम बर्नर्स ली हैं, या विनोद धाम हैं? तो इस फैक्ट को आप अच्छे से मेमोराइज कर लें कि WWW का इन्वेंटर है टिम बर्नर्स ली, और यहाँ पे इन्होंने 1989 में ये पर्टिकुलर इन्वेंशन किया। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन का सिस्टम है। जब भी हम लोग इंटरनेट खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि आप क्या लिखते हैं, www.google.com। तो ये जो शुरुआत में आप 3 बार W लिखते हैं, यही है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर कोई भी चीज़ आपको एक्सेस करनी है तो आपको इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए उस चीज़ को एक्सेस करना पड़ेगा। और किसने बनाया है? टिम बर्नर्स ली ने बनाया 1989 में। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर पेपर चेक होता है तो उसमें सब इनमें से मेनली क्या यूज़ होता है, MICR, OMR, OCR या MCR? अब देखिए, इस तरीके का ये कुछ आपकी शीट होती है जिसमें ये चार गोले होते हैं, ABCD ये होते हैं। आपको जो भी सही ऑप्शन लगता है आपको उस वाले ऑप्शन को भरना होता है यहाँ पे, और ये जो होती है इस शीट को आप कहते हैं OMR शीट। ये आप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो चेक की जाती है तो ये एक मशीन की मदद से चेक की जाती है, और उस मशीन में मैग्नेटिक रिकॉग्निशन की कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इसको जो सही आंसर है
वहाँ पे वो मैग्नेटिकली रिकग्नाइज कर लेगा कि कौन सा ऑप्शन आपने मार्क किया है। अगर आपने क्लियरली एक ऑप्शन मार्क किया है तो वो अगर सही है तो सही दे देगा, अगर सही वो वाला ऑप्शन आपने खाली छोड़ा है तो आपको गलत देगा, या फिर अगर आपने कोई और ऑप्शन भर दिया है तो भी आपको गलत देगा। इसीलिए OMR शीट में कही जाती है कि कुछ ऐसे आधा गोला ना बने। अगर ये है तो ऐसा नहीं है आपने बस इतना भर के छोड़ दिया, या फिर अगर ये है तो ऐसा नहीं है आपने ऐसे कर दिया। आपको एकदम सही से OMR शीट को फिल करना पड़ता है, जिससे कि जब वो मशीन में जाए तो आराम से उसको रिकग्नाइज कर लिया जाए। वरना ऐसा होगा, अगर ये आपने आंसर सही भी मार्क किया है तो भी वो मशीन इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर पाएगी और आपका आंसर गलत काउंट हो जाएगा। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं भाई। OMR क्या है? फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ये चीज़ आप याद रखें, एग्ज़ाम में ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि OMR का फुल फॉर्म क्या है, किस लिए यूज़ होती है। ह्यूमन मार्क जो भी डेटा होता है उसको कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जनरली सर्वेज या फिर टेस्ट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन जो पेपर होता है उसमें इसका सबसे ज़्यादा यूजेज आता है। तो अब हम चलते हैं वर्ष 2014 में आए हुए साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में। पूछा ये जा रहा है कि इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब की प्रिपरेशन में। क्या वो जिरकोनियम है, यूरेनियम है, मॉलीबेडनम है, या फिर वेंडेनियम है, माफ़ कीजिए वेनेडियम है। तो अगर यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। जो न्यूक्लियर वेपन है जनरली इसको एटम बॉम्ब, न्यूक, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर वॉरहेड या फिर ए बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। ये होता क्या, ये एक एक्सप्लोजिव डिवाइस है, क्योंकि बॉम्ब है तो निश्चित बात है एक्सप्लोड करेगा। बात यह है जब ये एक्सप्लोड करता है तो इसकी एनर्जी कहाँ से आती है, जो इसके अंदर की एनर्जी जो तबाही मचाने में मेन रोल प्ले करती है वो कहाँ से आती है। वो आती है न्यूक्लियर रिएक्शंस से, और इन न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से ही इस पर्टिकुलर वेपन का नाम होता है न्यूक्लियर वेपन। अब संभव है कि वहाँ पे या तो फिजन की वजह से हो या फिर फिजन और फ्यूजन के कॉम्बिनेशन से एनर्जी प्रोड्यूस हो। अगर फिजन और फ्यूजन का कॉम्बिनेशन होगा तो वो एक थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज़ करते हैं और बहुत छोटे से मैटर में इसको कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाता है। यानी जो बॉम्ब है वो तो छोटा सा होगा ज़रा से साइज़ का, लेकिन जब वो फूटेगा तो बहुत बड़ी मात्रा में ये तबाही मचाएगा, जान माल का नुकसान करेगा। और इनफैक्ट इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, मतलब ये जेनेटिक चेंजेस लाने में भी सक्षम है। अब ऐसे न्यूक्लियर वेपन अभी तक बेसिकली दो बार इस्तेमाल किए गए हैं युद्ध में, और दोनों बार यूनाइटेड नेशन ने इस्तेमाल किए हैं, और दोनों बार ही जापान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं। और अगर बात करें कब किए थे तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद, या फिर अगर कहें तो वर्ल्ड वॉर टू के समय जब इनका इस्तेमाल किया गया तब वर्ल्ड वॉर टू समाप्त हुआ। बेसिकली दो जगह पे गिराया था, आपने सुना होगा, एक तो नागासाकी और एक हिरोशिमा। तो इन दो जगहों पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा। बात थी 6 अगस्त 1945 की, जब यूनाइटेड नेशन की एयर फोर्सेस ने क्या किया, एक यूरेनियम टाइप फिजन बॉम्ब, यानी बात करें तो न्यूक्लियर बॉम्ब जिसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय, वो हिरोशिमा के ऊपर गिराया था। और उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को फिर से उन्होंने एक प्लूटोनियम कैरी करे हुए बॉम्ब, जो फिर से एक फिजन बॉम्ब था यानी कि एक न्यूक्लियर वेपन था, जिसका नाम रखा था फैट मैन, वो नागासाकी के ऊपर गिराया। यानी आप ध्यान रखें, पहले हुआ हिरोशिमा 6 अगस्त को, उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को हुआ नागासाकी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अल्फाबेटिकली अगर आप देखें तो एच पहले आता है, एन बाद में आता है, तो इसीलिए एच जो है वो पहले हुआ, उसके 3 दिन बाद हुआ एन। तो अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन में पूछा गया न्यूक्लियर बॉम्ब की प्रिपरेशन में किसका इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे यूरेनियम का। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये ह्यूमन आई से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनती है। तो ह्यूमन आई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कई बार इसमें क्वेश्चन आते हैं कि मायोपिया क्या होता है, यानी जब भी आपको कोई नियर साइटेडनेस होती है या फार साइटेडनेस होती है, इसका मतलब है कि पास की चीज़ें अगर हमको धुंधली दिखें या सही से ना दिखें, या फिर दूर की चीज़ें आपको धुंधली दिखें या सही ना दिखें, तो वो बेसिकली क्या प्रोसेस है और उसमें इमेज कहाँ बनती है। देखिए बेसिकली होता क्या है, देखिए अगर ये मैं मानता हूँ कि ये हम लोगों की आँख है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कैसे दिखता है, मान लीजिए ये एक पेड़ है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, जो लाइट है सन से या कहीं से भी ये आके रिफ्लेक्ट होगी, लाइट जाएगी आपकी आँखों में, इस पेड़ की यहाँ पे एक इमेज बनेगी और उसी इमेज के ज़रिए
आपको ये पेड़ दिख पाएगा। ये जो मैसेज है ये ट्रांसमिट किया जाएगा ब्रेन को और ब्रेन इसकी इमेज बना के आपको दिखाएगा। तो अगर आपकी ये इमेज आगे या पीछे बनती है तो उसकी वजह से आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। यानी एक तो आपको पास की चीज़ साफ़ नहीं दिखेगी, या फिर हो सकता है अगर आपकी इमेज और कहीं और अलग जगह पे बन रही हो, सही जगह पे नहीं बन रही हो, तो आपको दूर की चीज़ सही ना दिखे। तो उसके लिए आप अलग अलग तरीके के लेंसेज का यूज़ करते हैं। कई बार हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, कई बार हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आए वो आप आराम से तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप आई में इमेज बनने का पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। तो आइए हम लोग उस प्रोसेस को अभी समझते हैं। देखिए ये जो इमेज है इसमें हम आपको समझाएंगे। पहले मैं आपको कुछ आई के इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट्स बता देता हूँ जो याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जो यहाँ पे ये आगे की तरफ आप देख पा रहे हैं ये है आयरिस, ये है आपके आगे की तरफ वाला जो एरिया है ये वाला, इसको आप कहते हैं कॉर्निया। और अब हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेटिना, क्योंकि रेटिना ही ये डिसाइड करेगी कि आपकी पास की नज़र ख़राब है या फिर दूर की नज़र ख़राब है। अब आप देख पा रहे होंगे रेटिना में इस तरीके के कुछ कुछ है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी लेयर ऑफ सेंसिटिव टिश्यूज़ होती है और इन लेयर से मिलके ही बनती है रेटिना। अब हम आपको समझाते हैं कि ये इमेज बनने का प्रोसेस क्या है, समझ लेते हैं। यहाँ पे एक रखी है मोमबत्ती। तो देखिए अगर ये मोमबत्ती को आपको देखना है तो सबसे पहले इससे आने वाली रोशनी आपकी कॉर्निया से यहाँ पे पास होगी। कॉर्निया से पास होते वक्त क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज होता है तो इस वजह से जो लाइट है या तो बेंड होती है या फिर रिफ्रैक्ट होती है, और ये बेंड होने के बाद ये लाइट पड़ती है इस लेंस पे जो ये आप देख पा रहे हैं ये वाला है यहाँ पे लेंस। तो यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, लाइट बेंड हुई, बेंड होने के बाद ये लाइट पड़ी है लेंस के ऊपर। अब जब ये लेंस के ऊपर पड़ती है तो वापस से मीडियम चेंज होता है। मीडियम चेंज से मेरा तात्पर्य यह है कि ये या तो डेंसर से लाइटर में जाता है या फिर लाइटर से डेंसर में जाता है। तो ऐसे में जब भी होता है तो लाइट में थोड़ा बहुत बेंड या फिर रिफ्रैक्शन आता ही आता है। तो यहाँ पे मीडियम चेंज होता है तो यहाँ पे दूसरी बार सेकेंड टाइम जो है लाइट बेंड होगी। तो आप देख रहे होंगे जो हमारी लाइट है ये अब लेंस तक पहुँच चुकी है, यानी इस एरिया तक पहुँच चुकी है, और इसके बाद ये सेकेंड टाइम बेंड होके पहुँचती है यहाँ पर रेटिना पे। और रेटिना ही वो जगह है जहाँ पे एक्चुअल इमेज बनती है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे क्योंकि ये देखिए एक और ये दो बार बेंडिंग हुई है तो इस वजह से जो इमेज है वो सीधी नहीं उल्टी आपके सामने बन के आती है। तो देखिए जो कैंडल की इमेज होगी वो इस तरीके से कुछ उल्टी बन के आएगी, और बनेगी कहाँ, वो रेटिना पे बनेगी। तो ये देखिए इमेज यहाँ पे सीधी थी, यहाँ पे दो बार बेंड हुई और इस वजह से ये जो कैंडल की इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये उल्टी बनी है आपके रेटिना के ऊपर। और जिस जगह पे ये बनती है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकल पॉइंट। अब भाई अगर सिर्फ यहीं पे काम ख़त्म हो जाता तो आपको इमेज उल्टी दिखती, सीधी मोमबत्ती भी आपको उल्टी दिखती, लेकिन काम यहाँ ख़त्म नहीं होता। इसके आगे जुड़ी होती है ये ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से ये जो इमेज है ये जाती है कहाँ पर, ये जाती है ब्रेन में। और अगर ब्रेन में भी मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो ये जाती है ऑसिपिटल लोब में। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये जो उल्टी इमेज है ये यहाँ पे वापस से सीधी हो जाती है, यानी ये रिवर्स हो जाती है और ब्रेन आपको एकदम सीधी इमेज दिखाता है। तो बेसिकली ये है प्रोसेस जिससे आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ देख पाते हैं। वो कहाँ बनती है अगर क्वेश्चन आए तो रेटिना पे बनती है, रेटिना पे। लेकिन कैसी बनती है, उल्टी बनती है। सीधी कैसे होती है, ऑप्टिक नर्व से जाती है ब्रेन में, ब्रेन में जाती है ऑसिपिटल लोब पे, ऑसिपिटल लोब उसको सीधा करता है और फिर आपको दिखाता है। तो आपको ये सीधी मोमबत्ती सीधी ही दिखती है। आपने देखा कि दो जगह लाइट बेंड करती है। तो ये आपने बेसिकली समझा कैसे आपको कोई भी इमेज दिखती है। अब कई बार क्या होता है, ये जो इससे लाइट आ रही है ये पड़ती है और रिफ्रैक्ट होके ये यहीं कहीं आगे बन जाती है, यानी जो फोकल पॉइंट है वो रेटिना से पहले ही पड़ जाता है। भाई अभी हमने सीखा कि अगर यहाँ पे फोकल पॉइंट पड़ेगा तो आपको एकदम सही से इमेज दिखाई देगी, लेकिन कई बार क्या होता है फोकल पॉइंट इस जगह पे पड़ जाता है, यानी कि रेटिना से पहले ही पड़ गया, इमेज आपकी यहाँ कहीं पर बन गई। तो क्योंकि इमेज सही जगह पे नहीं बन पा रही तो यहाँ पे आपको चीज़ें धुंधली दिखने लगेंगी और आपका जो विजन है वो ब्लर हो जाएगा। अब ऐसे एरिया में क्योंकि इमेज पहले ही बन गई है तो आपकी जो दूर की चीज़ें हैं वो आपको सही से नहीं दिख पाएंगी। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस, जब आप दूर की चीज़ें साफ नहीं देख पाते। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर लगाना पड़ता है एक चश्मा, यानी आपको ग्लासेस यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। और ग्लासेस की मदद से होता क्या है, वो आपका जो लाइट का ये प्लेन है इसको थोड़ा वाइड कर देता है। वाइड करने से क्या होगा,
अब जो लाइट यहाँ पे पड़ी है ये अब जाके इमेज एकदम सही जगह पे बनाएगी, और इमेज ये सही जगह पे बन गई तो आपको ठीक दिखने लगेगा। तो इस वजह से आप यहाँ पे ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपका प्लेन ऑफ लाइट बढ़ जाए। और अगर बात करें हम कि कौन से ग्लासेस का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हमको नियर साइटेडनेस है यानी कि दूर की चीज़ें देखने में दिक्कत है, तो यहाँ पे हम कॉनकेव लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को आप याद रखें, ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ कई बार क्या होता है, कई बार जो इमेज है वो बनती है इसके पीछे, यहाँ कई इमेज बनेगी, देखिए मतलब फोकल पॉइंट यहाँ होना चाहिए था लेकिन ये इमेज बन रही है यहाँ पे पीछे। तो क्योंकि यहाँ पे इमेज ये पीछे बन रही है, इस वजह से यहाँ पे हमें पास का देखने में तकलीफ़ होती है, और इस वाली कंडीशन को आप कहेंगे फार साइटेडनेस, यानी जो आपकी साइट है वो सिर्फ फार की चीज़ों के लिए ठीक है लेकिन नियर की चीज़ों के लिए सही नहीं। ऊपर में आपकी जो साइट है नियर की चीज़ें देख लेती है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख पाएगी। और ऐसी कंडीशन में अगर आप होते हैं तो आप यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लेन ऑफ एंगल छोटा हो जाएगा। तो बेसिकली जब प्लेन ऑफ लाइट छोटा हुआ यहाँ पे, तो आपकी जो इमेज दूर बन रही थी वो दूर ना बन के उसको ये चीज़ पांच खींच लेगी और ये सही जगह पे बनने लगेगी। एक बार आपका फोकल पॉइंट सही जगह पे आ गया तो आप आराम से पास की चीज़ें वापस देख पाएंगे। तो ये दो मैंने आपको कंडीशन बनाई, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, क्यों होती हैं, कैसे होती है, इमेज कहाँ बनती है। अब इससे संबंधित जो भी सवाल आएंगे आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जो ह्यूमन आई की मिनिमम रेंज होती है या फिर जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर से जब आप नज़दीक से चीज़ देखने की कोशिश करते हैं तो फिर वो चीज़ आपको साफ नहीं दिख पाती और धुंधली दिखती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखें, हो सकता है एग्ज़ाम में ये भी चीज़ पूछ ली जाए। तो अगर आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इमेज कहाँ बनती है, अभी हमने देखा इमेज कहाँ बनेगी, पीछे साइड बनेगी, पीछे होती है रेटिना, कॉर्निया आगे होती है, आयरिस आगे होती है, पिपल भी आगे होती है। तो एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया अब आप इसके सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस इनमें से कौन सी है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, डायलअप सर्विस है, लीज लाइन है या फिर केबल मॉडेम है। तो अगर इसमें से बात करें, सबसे जो स्लो होती है वो होती है डायलअप सर्विस। डायलअप सर्विस में क्या होता है, वही सेम टेलीफोन होता है, उसमें एक तार लगी है, जब आपको इंटरनेट चलाना है वही तार आपने अपने कंप्यूटर में लगा ली, इंटरनेट चलने लगा वही तार आपने वापस टेलीफोन में लगा दी। तो ये बेसिकली सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन होता है, इसका नाम है डायलअप सर्विस। यहाँ पे जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है वो होती है टेलीफोन लाइन के ज़रिए। यहाँ पे आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये आपको एक पर्टिकुलर नंबर देता है, वो नंबर पे आपको डायल करना पड़ता है तब आपका कनेक्शन कंप्यूटर से हो जाता है, और जब आपको वापस फ़ोन में करना है तो आपको वापस को एक नंबर है उसको डायल करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये दो चीज़ों का यूज़ कर रहा है और ये बहुत पुरानी ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी है, इसीलिए ये सबसे स्लोएस्ट है। अभी तो ब्रॉडबैंड की भी आगे की चीज़ें आ चुकी हैं, ब्रॉडबैंड अभी तक काफ़ी तेज़ था लेकिन अब तो आजकल ऑप्टिकल फाइबर चल रही है। ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली जो यहाँ पे कनेक्शन या फिर हमारे पास पैकेट्स ट्रांसफ़र होते हैं वो होते हैं लाइट की फॉर्म में। यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन का फंडामेंटल प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है और उससे ऑप्टिकल फाइबर में लाइट ट्रैवल करती है। देखिए ऑप्टिक वर्ड है तो ऑप्टिक इज़ रिलेटेड टू लाइट, तो लाइट ट्रैवल करेगी, लाइट जितना तेज़ ट्रैवल करेगी उतना ही तेज़ आपका यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन आएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है SMPS, पूछ रहा है इसका फुल फॉर्म क्या है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सिग्नल मोड पावर सप्लाई या फिर स्टोर मोड पावर सप्लाई। तो देखिए ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, इसका फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। होता क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट करता है पावर को कुछ स्विचिंग डिवाइस की मदद से, जो जब भी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती है तब ऑन या ऑफ हो जाते हैं। तो देखिए इसीलिए उसका नाम है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यानी कि यहाँ पे स्विचिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ इसमें कुछ स्टोरेज के कंपोनेंट्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि इंडक्टर्स, जैसे कि कैपेसिटर्स। और साथ में अगर इस तरीके की स्विचिंग पावर सप्लाईज होती हैं तो उससे एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में ऐसे स्विचिंग पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर्स में या फिर कुछ सेंसिटिव इक्विपमेंट में जो कि स्टेबल और एफिशिएंट पावर सप्लाई डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि SMPS का फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यहाँ पे स्विचिंग की जाती है, स्विचिंग जो है वो ऑन या ऑफ होती है जब भी वो हाई फ्रीक्वेंसी को टच करती है। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कनेक्टिंग डिवाइस के बारे में, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस है, क्या राउटर है, हब है, स्विच है या फिर ऑल है।
तो देखिए राउटर क्या होता है, राउटर एक इस तरीके का हार्डवेयर डिवाइस होता है जो अलाउ करता है एक साथ कई सारे कंप्यूटर्स को खुद में कनेक्ट करने का, और ये सब के सब उसकी वजह से एक सिंगल इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, और इस सिंगल इंटरनेट को हम कहते हैं होम नेटवर्क। राउटर वायर्ड हो सकते हैं या फिर वायरलेस भी हो सकते हैं। अगर वायरलेस राउटर है तो इसको आप अपने घर पे या फिर अपने इंस्टीट्यूशन में जनरली कहते हैं वाईफाई नेटवर्क। ये राउटर होता है एक छोटा सा डब्बा इस तरीके से आता है, उसका कुछ नाम होता है ABCD। जब आप इससे कनेक्ट कर लेते हैं तो ये आपको इंटरनेट चलाने को अलाउ कर देता है। फिर आप अगर देखेंगे तो एक तार आके इसमें लगती है जो कि है ना इंटरनेट की तार होती है। अगर ये तार राउटर में कनेक्टेड है तो ये तरंगे छोड़ेगा, ये वेव्स छोड़ेगा, और इन वेव्स से बहुत सारे मोबाइल डिवाइस या फिर लैपटॉप्स इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको राउटर हटाना हो तो आप ये जो तार है निकाल के डायरेक्टली अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं, तो उससे सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी। तो राउटर क्या करता है, राउटर अलाउ करता है बहुत सारे डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। तो श्योर बात है ये खुद एक कनेक्टिंग डिवाइस है। उसके बाद देखते हैं हब। हब भी इसी तरीके की चीज़ होती है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को अलाउ कर देता है खुद से कनेक्ट होने में, और उन सबको एक कॉमन नेटवर्क पे लगा देता है। अब हम देखते हैं स्विच। स्विच अगर नेटवर्किंग के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो एक हाई स्पीड डिवाइस है जो यहाँ से इनकमिंग पैकेट को इस तरीके से रिसीव करता है और उसको उसके डायरेक्टेड टारगेट की ओर इस तरीके से भेज देता है। समझ लीजिए ये एक कंप्यूटर है, मैं यहाँ से किसी को हाई मैसेज कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल ये हाई जो है एक पैकेट में होके जाएगा, ये यहाँ तक जाता है, मैं इस बी को भेज रहा हूँ तो ये इसके टारगेट तक जाके इसको छोड़ देगा। तो ये काम है स्विच का, तो ये भी ऑब्वियसली कनेक्टिंग डिवाइस है। तो अब अगर हम लोग अपने क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस है, तो भाई राउटर कनेक्टिंग डिवाइस है, हब भी अभी देखा हमने कनेक्टिंग डिवाइस है, स्विच भी कनेक्टिंग डिवाइस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे ये रिपीट हुआ है 2017 या 18 के पेपर्स में। क्वेश्चन है 1 बाइट क्या होता है, इसके में कितना होता है, 8 बिट होते हैं, 16 बिट होते हैं, 32 बिट होते हैं या 64 बिट होते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले बिट और बाइट को समझना ज़रूरी है। तो देखिए बिट क्या होता है, बिट एक वैल्यू होती है जो बेसिकली या तो 0 है या 1 है। 1 है इसका मतलब ऑन है, 0 है इसका मतलब ऑफ है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बिट। बिट के बाद जो नेक्स्ट उससे बड़ा यूनिट होता है वो होता है निबल। इस चीज़ को आप याद रखें, निबल जो होता है वो बेसिकली 4 बिट्स का होता है, यानी ऐसे 4 बिट अगर आप जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा एक निबल। उसके बाद होता है 1 बाइट, 1 बाइट में होते हैं 8 बिट। और अगर मैं निबल के फॉर्म में बात करूं तो इसमें 2 निबल्स होंगे क्योंकि एक में 4 होंगे, एक में 4 होंगे, टोटल 8 बिट हो गए। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए 1 बिट में कितने माफ़ कीजिएगा 1 बाइट में कितने बिट हैं, तो आप कहेंगे 8। अगर क्वेश्चन आ जाए 1 बाइट में कितने निबल है, तो भी आप लिख सकते हैं उसमें 2 निबल्स हैं। फिर उसके बाद इससे ऊपर एक यूनिट होता है 1 KB या फिर 1 KB, उसमें होता है 1024 बाइट्स। फिर उससे बड़ा यूनिट होता है MB, MB यानी कि मेगाबाइट। इसमें क्या होता है, इसमें 1224 KB आ गए। इससे पहले ये यहाँ से बाइट्स आए थे, अब ये किलोबाइट आ गए। अब मैं इससे एक बड़ा यूनिट जाऊँगा तो होता है GB। 1 GB में 1024 MBs होते हैं, ये MB यहाँ से आ गए। तो आपको एक 1024 फिगर तो याद रखना है, और वो जिस वाले से बड़ा यूनिट है उसका यहाँ पे पीछे आप यूज़ कर लेंगे। जैसे कि अगर GB है तो वो किससे बड़ा है, वो MB से बड़ा है, तो आप यहाँ पे MB यूज़ कर लेंगे। तो आपका ये बन गया 1024 MB, और किसके बराबर हो गया ये, 1 GB के बराबर हो गया ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 1 बाइट कितना है, तो 1 बाइट में टोटल 8 बिट होते हैं। अगर मैं बात करूं कि 1 बाइट में कितने निबल होते हैं, तो आप कहेंगे 2 निबल्स होते हैं क्योंकि 1 निबल में 4 बाइट सॉरी बिट, और एक और निबल में 4 बिट, तो 4 4 मिल के 8 बिट हो गए जो कि यहाँ पे है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल एक कम्युनिकेशन नेटवर्क में क्यों यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिखा है वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो प्रोटेक्शन किस से, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस से, कोई डेटा ड्रिवन अटैक से, कोई फायर अटैक से, या कोई वायरस के अटैक से। तो देखिए एक बात मैं आपसे बताता हूँ, हम अपने घर में वॉल क्यों बनाते हैं, दीवार क्यों बनाते हैं। दीवार इसलिए बनाते हैं कि
कोई भी अनजान आदमी सीधे तरीके से वहाँ से अंदर ना आ सके। तो यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस हमारे घर में किसी भी अनजान व्यक्ति का ना हो पाए। तो अगर हम फायर वॉल की बात करें तो आप ऐसे ही इस चीज़ को याद रख सकते हैं, कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी आपके कंप्यूटर में आके उसको अटैक ना कर पाए, इस वजह से हम लोग फायर वॉल का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, देखिए तो फायरवॉल जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें क्या है, ये मॉनिटर करता है सभी नेटवर्क बेस्ड ट्रैफिक को। यानी आप अगर कंप्यूटर से अपने इंटरनेट चला रहे हैं, जो भी ट्रैफिक आपके कंप्यूटर की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, उस सभी ट्रैफिक को ये देखेगा। वो देखेगा कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं है, कोई हैकर या कोई क्रैकर आपके कंप्यूटर को नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाह रहा, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं चुराना चाह रहा। तो ये सब तब हो पाता है जब आपके कंप्यूटर में फायरवॉल ऑन होती है। तो बेसिकली ये एक बैरियर की तरह काम करती है, किसमें, जो भी आपका ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क है और जो अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क है यानी इंटरनेट। तो ये एक आपका कंप्यूटर है, ये इसको आप ट्रस्ट करते हैं, इसमें आप सारी चीज़ें रखते हैं अपनी। एक है बाहर का नेटवर्क जिसमें आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे वायरस होते हैं, बहुत सारे अनऑथराइज्ड एक्सेस करने वाले ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। तो इन दोनों में एक बैरियर का काम करता है फायरवॉल, जिससे क्या एकदम से आपके कंप्यूटर में कोई इजीली एक्सेस ना कर पाए और आपके कंप्यूटर को, आपके पर्सनल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये बेसिकली बाहर के जो साइबर अटैकर्स होते हैं उनसे बचाते हैं हमारे कंप्यूटर को, कोई ज़बरदस्ती का ट्रैफिक आ रहा होता है नेटवर्क का तो उनसे बचाते हैं, और कोई उल्टा सीधा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो जाए जो बाद में आपके कंप्यूटर को ओपन टू ऑल ना कर दे, उसका भी ध्यान रखती है ये फायरवॉल। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर रहेगा फायरवॉल बचाती है हमको अनऑथराइज्ड एक्सेस से। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है FTP का, पूछ रहा है FTP का क्या मतलब है, क्या वो फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल है, क्या फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल है, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल है, या फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, FTP जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अब इस वर्ड को अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि कोई भी फाइल अगर मैं यहाँ से किसी और जगह पर भेजता हूँ, जैसे समझ लीजिए मैंने अपने लैपटॉप से कोई एक फाइल आपके लैपटॉप पे यहाँ पे भेजी है, तो ये फाइल ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रही है इसको एक प्रोटोकॉल मॉनिटर करता है कि कैसे ट्रांसफ़र होनी चाहिए, कितने पैकेट एक टाइम पे जाना चाहिए, कितनी स्पीड से जानी चाहिए अगर कितने MB की हो। तो ये सब कुछ मॉनिटर करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। तो वो जो प्रोटोकॉल है उसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्योंकि ये फाइल के ट्रांसफ़र से डील कर रहा है। अब ये आप इस डायग्राम से आराम से समझ पाएंगे। देखिए ये मान लीजिए मैं इधर से आपको कोई फाइल भेजना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मेरा नाम ABC है और यहाँ पे आपका नाम XYZ है। तो यहाँ से मैंने आपको कोई फाइल भेजी, ये जाएगी एक FTP सर्वर पे। सर्वर पे ये देखेगी कि ये फाइल किसको भेजी गई है, तो ये देखेगी ये फाइल XYZ को भेजी गई है, तो ये यहाँ से आपके कंप्यूटर में फाइल ला देगा। तो ये फाइल किसी और MNO के पास ना चली जाए या फिर किसी DEF के पास ना चली जाए, तो ये कौन ध्यान रखता है, ये सब का ध्यान रखता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कि भाई जिसको भेजी गई है, जो टारगेट लोकेशन है, ये फाइल वहीं पे जाए। तो बेसिकली अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड नेटवर्क का प्रोटोकॉल है, क्योंकि नेटवर्क पे ही चीज़ें चलती हैं। क्या करता है ये, कंप्यूटर फाइल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से किसी और नेटवर्क जहाँ पर मैंने उसको भेजी है। तो आपको याद रखना है FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये सब किसके एग्जांपल हैं, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, या फिर प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर हैं। देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप ऐसे याद रखें कि जिस पे आप काम कर रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये एक कंप्यूटर सिस्टम है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ये बहुत जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में पड़े हैं तो कंप्यूटर अच्छे से काम करता रहेगा, सही तरीके से चलता रहेगा, बार बार बंद नहीं होगा, कोई और अजीबोगरीब एरर नहीं देगा। लेकिन अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखिए इसमें वर्ड है एप्लीकेशन, वो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूज़ के लिए ही बने होते हैं। जैसे कि मेरे को मान लीजिए डेटा एंट्री करनी है, तो डेटा एंट्री करने के लिए मेरे पास एक्सेल है,
और एक्सेल में मैं स्प्रेडशीट्स का इस्तेमाल करके डेटा एंट्री कर सकता हूँ, या फिर आप छोड़ें, अगर हमको कुछ टाइप करना है, कुछ भी लिखना है, तो हमारे पास वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपको कोई फ़ोटो खोलनी है, फ़ोटो एडिट करनी है, तो आपके पास फ़ोटो एडिटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अगर आपको कुछ बनाना है तो आपके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि पेंट है। मतलब ये सब बहुत स्पेसिफिक हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डेटा एंट्री वाले सॉफ्टवेयर में आप कुछ पेंट करने लगें या फिर वर्ड में आप कोई फ़ोटो एडिट करने लगें। अगर हैं तो ये कुछ उसके एडिशनल फीचर हो सकते हैं, लेकिन जो मेन पर्पज़ है वो है टेक्स्ट टाइप करवाना, डेटा एंट्री करवाना। तो ये जो होते हैं ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इनका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जनरली होता क्या है, देखिए, अगर जब आप कंप्यूटर चलाएंगे उसके बाद ही तो आपका वर्ड या फिर एक्सेल चल पाएगा या फिर पेंट चल पाएगा। अगर आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा होगा तो उसके अंदर मौजूद ये चीज़ें कैसे चलेंगी। तो कंप्यूटर चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर चलने के लिए ज़रूरत होती है जनरल पर्पज़ या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी राइड करता है या जो उसके ऊपर चलता है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को याद रखें तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी के साथ हम चलते हैं 2015 में आए हुए क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। उन्होंने कुछ डिस्कवरी की है, आपको बताना है उन्होंने क्या डिस्कवर किया है। पेनिसिलिन डिस्कवर की है, एक्सरे डिस्कवर किया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की है, या फिर टेलीफोन डिस्कवर किया है। तो ये चीज़ भी कोई भी इसमें फंडा नहीं है, आपको डायरेक्टली याद रखनी पड़ेगी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक वैक्सीन डिस्कवर की है जिसको हमने कहा है पेनिसिलिन वैक्सीन। है क्या, बेसिकली एंटीबायोटिक है ये, और फोकस करता है ये कुछ एक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के ऊपर जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है, जैसे कि निमोनिया या फिर स्कारलेट फीवर। तो आपको याद रखना है, अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आए तो यानी उन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर किया जो कि एक वैक्सीन है। वैक्सीन क्या है, जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से आपको बचाती है। देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा, वैक्सीन एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी तरीके की बीमारी आती है, कोई भी डिजीज़ आता है, तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ अपने आप यहाँ पे एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर देती हैं। एंटीबॉडी ना समझ के आप समझिए कि कोई भी जब डिजीज़ आपको इन्वेड करता है तो यहाँ पे आपकी बॉडी उसके लिए ऑलरेडी एक आर्मी क्रिएट कर लेती है। आर्मी क्रिएट करने से क्या हुआ, अगर वही चीज़ वापस आपको अफेक्ट करेगी तो हमारे पास ऑलरेडी उसका तोड़ है। आपकी बॉडी में उसकी एंटीबॉडीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं जो उसको इस बार आने नहीं देंगी और इस बार वो असर नहीं डाल पाएगी। लेकिन पहली बार आके तो आपको बीमार करेगी ही। तो वैक्सीन में क्या करते हैं हम, वैक्सीन में वही बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिज़म्स को या तो मूर्छित या फिर मृत स्टेट में रखते हैं और इसको आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। एक बार आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो गया तो ऑर्गेनिज्म में अब इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको अफेक्ट कर सके या फिर आपको बीमारी पहुंचा सके। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें आपकी बॉडी में आएंगी, आपकी बॉडी देखेगी कि भाई वो हमको अफेक्ट करने कोई डिजीज़ आ रहा है, तो वो तुरंत अपनी आर्मी तैयार कर देंगी या फिर अपनी एंटीबॉडीज़ यहाँ पर बना लेगी। तो इस बार आप पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी बॉडी के पास ये एंटीबॉडीज़ तैयार रहेंगी कि फ्यूचर में कभी भी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से अगर कोई भी आपको डिजीज़ पहुंचता है तो आपकी वैक्सीन की मदद से बॉडी आपकी अपनी आर्मी तैयार कर चुकी है, तो ये डिजीज़ आएगा तो फाइट करने के लिए हम लोग उससे रेडी हैं। तो बेसिकली ये यूज़ होता है किसी भी वैक्सीन का। यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वैक्सीन का निर्माण किया था, और कौन सी, पेनिसिलिन वैक्सीन। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डेंसिटी ऑफ मिल्क आप कैसे नापेंगे। तो क्या लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो देखिए, बैरोमीटर हमने पहले पढ़ा था कि जो ये वर्ड है ये बेसिकली रिलेटेड टू प्रेशर है, तो ये नहीं होगा। हाइड्रोमीटर रिलेटेड टू वाटर है, तो ये भी नहीं होगा। बचा लैक्टोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लैक्टोमीटर जनरली मिल्क की डेंसिटी नापने के काम आता है। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है ब्लड ग्रुप से संबंधित। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति एक यूनिवर्सल डोनर हो सकता है, यानी हर एक ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को वो खून दे सकता है। तो इसके लिए ये टेबल देखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ब्लड ग्रुप से संबंधित तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, एक तो होते हैं ब्लड ग्रुप्स ए बी और ओ के फॉर्म में, जिसमें आपको देखने पड़ेंगे ए बी, फिर होते हैं ए बी और ओ। इसके अलावा इसके होते हैं आर एच, यानी हर एक में प्लस और माइनस, प्लस और माइनस,
प्लस और माइनस, और इसमें भी प्लस और माइनस, तो टोटल आपके सामने आए 8। अब हम देखते हैं ये 8 जो है वो किससे ब्लड ले सकते हैं और किसको ब्लड दे सकते हैं। तो अगर ए वाले देखें, इनफैक्ट ए प्लस वाले देखेंगे, तो ये एक तो खुद को ए प्लस वालों को और ए बी वालों को दे सकते हैं। और ब्लड ले किससे सकते हैं, या तो खुद से लेंगे प्लस माइनस, या फिर ओ से लेंगे। उसके बाद अगर मैं ओ प्लस वालों की बात करूँ तो ये किसको दे सकते हैं, ये सभी को दे सकते हैं, लेकिन सब प्लस वाले, क्योंकि ये प्लस वाले हैं तो ये सब प्लस वालों को दे सकते हैं, लेकिन लेंगे किससे, सिर्फ और सिर्फ खुद से। तो ये जो है बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है। इसका तात्पर्य ये है, अगर आपका ओ ब्लड ग्रुप है तो सिर्फ आपको ओ ब्लड ग्रुप वाले का ही खून चढ़ सकता है। तो आप देखिए कि उसके लिए सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाला ही ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो है बहुत रेयर होता है, इस वजह से इस पर्टिकुलर जो ब्लड ग्रुप है उसके लोगों को थोड़ी समस्याएं बनी रहती हैं, इन केस अगर कभी उनको खून की ज़रूरत पड़े तो। फिर हम देखते हैं बी प्लस में, तो बी प्लस, अब जैसे ये ऊपर हमने देखा था वैसे ये बी प्लस खुद बी प्लस को दे सकता है और ए बी प्लस को दे सकता है। लेगा किससे, खुद से एक तो प्लस माइनस और ओ से प्लस माइनस। अब आप देख रहे हैं ओ जो है वो सबको दे रहा है, तो ओ जो होता है वो एवरीवन को दे सकता है, यानी यूनिवर्सल डोनर है। अगर ए बी प्लस की बात करें तो ये खुद को ही दे पाएगा, मतलब ए बी प्लस वाला बंदा सिर्फ ए बी प्लस वाले बंदे को ही खून दे पाएगा, लेकिन अगर लेने की बात आए तो ये सबसे खून ले सकता है, तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हैं। अब अगर ए माइनस की बात करें तो ये प्लस माइनस को दे सकते हैं ए वालों, और ए बी प्लस माइनस को दे सकते हैं, और अगर लेने की बात आए तो सिर्फ ए माइनस से ही लेंगे ये, और ओ माइनस से ही लेंगे ये। यानी जो माइनस वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइनस वालों से ही ले सकते हैं। फिर बी माइनस की बात करें तो बी माइनस दे तो सबको सकते हैं, बी प्लस को, बी माइनस को, ए बी प्लस को, ए बी माइनस को, लेकिन वही सेम बात अगर लेने की बात आए तो माइनस माइनस वालों से ले पाएंगे, तो बी और ओ माइनस से ही ले पाएंगे। अगर ए बी माइनस की बात करें तो देखिए माइनस से ही ले पाएंगे ये, लेकिन अगर देने की बात करें तो ए बी प्लस, ए बी माइनस दोनों को दे सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये सभी से इस तरीके से ले पाएंगे, लेकिन सिर्फ माइनस वालों से। लेकिन अगर ए बी प्लस की बात करूँ तो ये प्लस माइनस कुछ नहीं देखते, ये सबसे खून ले सकते हैं। तो इनका जो एक और नाम है वो कहते हैं हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और जो ओ वाले हैं वो भी ओ माइनस, वो सबको दे सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो क्वेश्चन यहाँ पे था कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, प्लस माइनस तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं की। तो आप बेसिक समझें तो यूनिवर्सल डोनर हुआ ओ, अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता तो फिर आप यहाँ पे ए भी मार्क करते। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये है माइक्रोस्कोप से संबंधित। कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप किस चीज़ की स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, दूर के ऑब्जेक्ट्स, तो ये बात गलत है, दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी नहीं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। देखिए माइक्रोस्कोप उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आइज से आप नहीं देख पाएंगे, उन चीज़ों को आप माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स और जो पास में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको। मतलब इसका ये नहीं है कि कोई दूर सितारा है जो आप नहीं देख पा रहे तो आप कहें कि भाई मैं अब नेकेड आइज से नहीं देख पा रहा तो माइक्रोस्कोप से देखता हूँ, नहीं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हो, यहीं कहीं पास में हो और वो आपके नेकेड आइज से नहीं देख पा रहे, तो उसमें आप लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा है यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने की, ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो नेकेड आइज से देखना संभव नहीं है। ये एक नाम है एंटनी वेन ल्यूवेनहोक, जो लेट 17th सेंचुरी में पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने रियल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था। तो अगर एग्ज़ाम में इस तरीके का सवाल आए कि माइक्रोस्कोप का पहली बार इस्तेमाल किसने किया था, तो उसमें एंटनी वेन ल्यूवेनहोक नाम को आप याद रखें। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जो आप नॉर्मली पहला पेज देखते हैं उस पेज को क्या कहा जाता है, मास्टर पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज या बैनर पेज। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो पहला पेज आप देखते हैं उसको होम पेज कहा जाता है। आप अगर गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे एक घर जैसा सिंबल आता है जो आपको आपके होम पेज पे ले जाता है। होम पेज आप अपने आप अपना डिसाइड करते हैं, अगर आपने इस पर क्लिक किया तो वो आपको आपके पहले पेज पे ले आता है। पहला पेज यानी कि जब भी मैं गूगल क्रोम खोलूँगा तो यही वाला पेज खुल के सबसे पहले सामने आएगा। फिर मान लेते हैं मैं गूगल करके एक साइट खोल के उसमें कुछ सर्च करता हूँ, फिर मैं अगर इस होम बटन को दबाता हूँ तो वापस मैं उसी पेज पे आ जाता हूँ जो मैं इनिशियली गूगल क्रोम खोलता हूँ तब मेरे सामने आता है। तो इससे आप याद रखें, जो पहला पेज आपके सामने अपीयर होता है वेबसाइट का, उसको आप कहते हैं होम पेज।
जनरली वेबसाइट में भी यही होता है। अगर आप देखिए वेबसाइट में किसी में आए हैं, मान लीजिए आप गूगल की वेबसाइट में आए हैं, आपने कुछ सर्च किया, आपने मान लीजिए महात्मा गांधी जी की जीवन के ऊपर कोई चीज़ सर्च की, आपने सर्च की, आप किसी और साइट में चले गए, वहाँ से कहीं और रिडायरेक्ट होके चले गए, वहाँ से कहीं और चले गए, फिर अगर आपको वापस होम पे आना है, आप अगर वापस गूगल टाइप करेंगे तो वापस वो आपको उसी सर्च पेज पे ले आएगा जहाँ पे यहाँ पे एक सर्च बार बना होगा, ऊपर आपके लिए गूगल लिखा होगा, तो ये उसका होम पेज हो गया। यानी जो फर्स्ट पेज है ये हमेशा होम पेज की तरह काम करता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे एक्सेसरीज को कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर से, क्या पोर्ट है, रिंग है, बस है या फिर जिप है। तो देखिए कंप्यूटर का पोर्ट होता है जहाँ से आप सभी एक्सेसरीज उसमें कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके पास इस तरीके का लैपटॉप है और आप उसको यूज़ करते होंगे, तो लैपटॉप में इस तरीके से कुछ पोर्ट्स बने होंगे। इन पोर्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, इन पोर्ट्स में आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर उसको मैं बोलूँ तो यूएसबी ड्राइव भी कहा जाता है, वो कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई जॉयस्टिक कनेक्ट कर सकते हैं और कोई गेम खेल सकते हैं। अगर आपका माउस वायर्ड है तो आप यहाँ पर माउस कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड आपका वायर्ड है तो आप यहाँ पर कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप जो चाहें यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, इन चीज़ों को आप कहते हैं पोर्ट, और इन एरियाज से या फिर इन चीज़ इस पर्टिकुलर डिवाइस से आप कोई भी डिवाइस अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से एक्सेसरीज कनेक्ट होती हैं कंप्यूटर में, तो उसको आप कहते हैं पोर्ट। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से काम नहीं किए जा सकते, देखिए यहाँ पे वर्ड है नॉट, नहीं किए जा सकते बाय कंप्यूटर। कंप्यूटिंग, तो देखिए कंप्यूटर है तो ऑब्वियसली कंप्यूटिंग तो करेगा ही करेगा, प्रोसेसिंग तो प्रोसेस भी करेगा, इसमें आप मान लीजिए कैलकुलेटर चलाएंगे तो कुछ कैलकुलेट करके देगा, या फिर आप कुछ और उसमें कोड रन करेंगे तो फिर भी वो प्रोसेस करके देगा, तो प्रोसेस करना भी उसका टाइम काम है। अंडरस्टैंडिंग भी मुझे नहीं मिला, और आउटपुटिंग, तो आउटपुट देना कंप्यूटर का काम है ही भाई। अगर आप कोई पेज का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप उसमें प्रिंट का कमांड डालते हैं और प्रिंटर में आपके सामने इस तरीके का पेज निकल के आ जाता है, तो आउटपुट देना तो काम है ही, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का काम नहीं है। अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ब्रेन के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो अभी तक कंप्यूटर रेप्लिकेट नहीं कर पाया। लेकिन हालांकि अब आज के युग में सुपर कंप्यूटिंग का टाइम है, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी चरम पे है, तो आने वाले समय में कंप्यूटर चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करने लगेगा। जैसे अभी भी आप देखते हैं तो कुछ अलग अलग टाइप के डिवाइस आ रहे हैं, जैसे कि एक एलेक्सा नाम का डिवाइस आता है, जो आप उससे बोलेंगे वो उस चीज़ का आपको आंसर करता है, वो आपके घर को कनेक्ट करता है। अगर आप उससे बोलेंगे कि एसी चलाओ तो वो एसी से अगर कनेक्टेड है तो वो एसी भी ऑन कर देता है। तो यानी कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग वाले फील्ड में भी पहुंच चुका है। तो आपको बस यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया तो यहाँ पे आपका आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, तो नॉट का आपको ध्यान रखना है, बेसिक सी प्लस प्लस, जावा या पेंट ब्रश। तो भाई पेंट ब्रश तो मेरे को पता है एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में हम लोग अलग अलग टाइप के चित्र बना सकते हैं, पेंट बना सकते हैं, मेरा मतलब है पेंट कर सकते हैं। बाकी जो है वो तीनों के तीनों जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और बेसिक भी एक लैंग्वेज है, तो बचा एक पेंट ब्रश। पेंट ब्रश यहाँ पे आपका आंसर होगा। तो इसका एक बार हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए जो पेंट ब्रश है वो कोई लैंग्वेज नहीं है, वो एक एप्लीकेशन है, हमने बात की। इस एप्लीकेशन में आप चित्र बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। बेसिक सी प्लस प्लस, जावा जो है ये सबकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आप प्रोग्राम बनाते हैं, उन प्रोग्राम के आधार पे कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, देखिए ये सेट ऑफ रूल्स है या फिर एक इंस्ट्रक्शन है जो आप कंप्यूटर को दे रहे हैं जिससे वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे। मान लीजिए मैंने कंप्यूटर में इस तरीके का प्रोग्राम फीड कर दिया कि बस मैं जब अपने कीबोर्ड में ई जैसा बटन दबाऊंगा तो मैं जिस भी एप्लीकेशन में वो एग्जिट हो जाएगी। तो आपने क्या किया, ऐसा पूरा एक प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम पढ़ के कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट एक बार कर दिया तो जब भी आप ई दबाएंगे अपने कीबोर्ड में आप एग्जिट हो जाएंगे। तो ये होती है बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, जैसे बेसिक सी, सी प्लस प्लस, कोबोल, जावा, फोरट्रान, एडीए, पास्कल। तो
तो आप ये चीज़ याद रख कर लें अच्छे से। हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो आपको ये याद होगा तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में पूछा गया है, इंडियन सुपर कंप्यूटर का फादर किसको माना जाता है? क्या वो रघुनाथ माशेलकर हैं, विजय भटकर हैं, जयंत नरीलकर हैं या नंदन निलेकानी हैं? तो देखिए, ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, जो इंडियन सुपर कंप्यूटर के फादर हैं वो हैं विजय पांडुरंग भटकर। ये एग्ज़ाम में आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम लोग थोड़ा सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। लगातार ये वर्ड हमारे सामने आ रहा है, तो सुपर कंप्यूटर आखिर होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो सुपर डिफिकल्ट कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से कर देता है और बड़ा क्विक कर देता है। तो यानी कि ये हाई लेवल कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जनरल पर्पस कंप्यूटर से ये कई ज़्यादा गुना तेज़ कंप्यूटिंग कर सकता है। इसकी परफॉर्मेंस को अगर मेजर करना है तो हम लोग फ्लॉप्स में मेजर करते हैं, या फिर उसको मैं अगर एब्रिविएशन में ना कह के फुल टर्म्स में बोलूँ तो उसका नाम है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। पहला सुपर कंप्यूटर बिल्ड किया गया था 1957 में, यूनाइटेड स्टेट्स ने ये किया था, उसके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। और ये जो टर्म है हम लोग यूज़ कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर, ये बेसिकली कॉइन की गई थी, यानी कि इसका इजाद किया गया था एक कंप्यूटर को डिस्क्राइब करने के लिए जिसका नाम था CDC 600। जो CDC है ये बेसिकली कंपनी का नाम है, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। उसने एक अपना कंप्यूटर बनाया, उसका नाम रखा 6600। उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए हमने टर्म यूज़ किया सुपर कंप्यूटर। अब हम आते हैं अपने भारत के सिनेरियो पे। अब यहाँ पे हमारे पास दो सुपर कंप्यूटर्स हैं, एक का नाम है प्रत्युष और एक का नाम है मिहिर। जो प्रत्युष है उसको हमने बनाया IITM पुणे में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे में। और वहीं पे अगर हम बात करें मिहिर, तो उसको नोएडा में हमने बनाया है। और कहाँ पे? तो उसको बनाया गया है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। अब अगर हम जनवरी 2018 की बात करें, तो प्रत्युष और मिहिर हमारे भारत के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हैं, और इनकी अगर दोनों की स्पीड को ऐड कर लिया जाए तो इनकी स्पीड हो जाती है 6.8 पेटाफ्लॉप्स। तो ये दोनों मिलके मल्टी पेटाफ्लॉप अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो पूरे इंडिया में पहली बार ऐसे कोई सुपर कंप्यूटर्स हैं तो वो ये दोनों हैं। इन्हीं दोनों इंस्टीट्यूट में ये रखे गए हैं। जो प्रत्युष है वो रखा है IITM पुणे में, और जो मिहिर है उसको रखा गया है नोएडा में, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। अब अगर इनमें से बात करें कि ज़्यादा तेज़ कौन सा है और उससे कम कौन सा है, तो भाई प्रत्युष जो है वो है 4 पेटाफ्लॉप, और जो मिहिर है वो है 2.8 पेटाफ्लॉप। तो जो प्रत्युष है वो 4 पेटाफ्लॉप्स है, ये आप याद रखें, और जो यहाँ पे मिहिर है वो 2.8 पेटाफ्लॉप है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इसका बनता है 6.8 पेटाफ्लॉप। तो भारत की जो टोटल सुपर कंप्यूटिंग में कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो है 6.8 पेटाफ्लॉप्स। तो ये जो फैक्ट्स हैं इनको आप ज़रूर याद रखें। सुपर कंप्यूटर अभी बहुत हॉट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? एक पर्सनल कंप्यूटर जो आप अपने घर में रखते हैं, एक सुपर कंप्यूटर, एक लैपटॉप जो आप यूज़ करते हैं, या एक नोटबुक। तो अभी अभी हमने देखा कि सुपर कंप्यूटर की काबिलियत, उसकी स्पीड, उसकी कैलकुलेशन की रेट, वो जितने डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन कर पाता है, इन सब चीज़ों को देख के उसमें बहुत ह्यूज कॉस्ट लगती है और बहुत बड़े तादाद पे उसको बनाया जाता है। तो सबसे लार्जेस्ट, फास्टेस्ट और कॉस्टलीस्ट कंप्यूटर हैं सुपर कंप्यूटर्स। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है बाइनरी लैंग्वेज के बारे में। बाइनरी लैंग्वेज में टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, ये पूछ रहा है, 2, 3, 4 या 6। अब देखिए, इसका नाम है बाइनरी, बाई मतलब 2, तो बेसिकली इसमें डिजिट्स भी 2 ही होते हैं। डिजिट्स कौन से हैं? एक है 0 और एक है 1। इसी के कॉम्बिनेशन से हम लोग अलग अलग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और इस चीज़ को हम लोग मशीन लैंग्वेज कह के भी बुलाया करते हैं। ये सिस्टम जो है पहली बार इन्वेंट किसके द्वारा किया गया, वो था गॉटफ्रीड लिबनिस द्वारा। तो इनका नाम आप याद रखें, एग्ज़ाम में इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं कि ये किसने इन्वेंट किया, इसका इंट्रोडक्शन किसने किया। तो अगर बात आए कि बाइनरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन किसने किया, तो गॉटफ्रीड लिबनिस ने इसका इंट्रोडक्शन किया। और कौन कौन से इसमें डिजिट्स यूज़ होते हैं? 0 और 1। इन्हीं के आपस में कॉम्बिनेशन से हम लोग वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं।
फिर ये देखिए, ये क्वेश्चन है, चूज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज यूनिट। क्या वो KB है, MB है, GB है या TB है? तो हमने अभी अपने आगे लेक्चर में पढ़ा था कि सबसे छोटा हमने देखा था बिट होता है, बिट में होता है 0 या फिर 1। बिट के बाद हमने देखा था होता है निबल, निबल के बाद हमने देखा था होता है बाइट, बाइट के बाद हमने देखा था होता है किलो बाइट, किलो बाइट के बाद हमने देखा था मेगा बाइट, और उसके बाद देखा था गीगा बाइट। तो यहाँ तक हमने अपने पुराने डिस्कशन में अभी अभी एक क्वेश्चन में देखा था। तो अगर स्मॉलेस्ट यूनिट देखे तो सबसे छोटे तो बिट है, लेकिन बिट देनी रखी, फिर निबल है, फिर है बाइट, और फिर है किलो बाइट। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे किलो बाइट मार्क कर देंगे। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसके ऑर्डर को याद कर लें। तो देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए ऑर्डर वाइज इसको अरेंज कर दिया है। सबसे छोटा होता है बाइट, फिर है किलो बाइट, फिर है मेगा बाइट, फिर है गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, एग्जा बाइट, जेटा बाइट और योटा बाइट। तो ये इसी ऑर्डर में है, सबसे छोटा बाइट है और सबसे बड़ा है योटा बाइट। और अगर इससे भी पीछे हम लोग जाएँ तो हमको पता है दो और आते हैं, बिट और निबल। तो इस ऑर्डर को आप ज़रूर याद करें, ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस में पूछा जाने वाला एक फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर मेमोराइज कर लें। फिर अब अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 byte। ये फिर वही क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो अब मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। क्या इसका आंसर 2 है, 8 है, 10 है या 16 है? मैं चलता हूँ अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर हम प्राइमरी कलर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए कह रहे हैं कि प्राइमरी जो कलर्स हैं इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है। प्राइमरी कलर क्या होते हैं? ये ऐसे कलर्स होते हैं जो अपने आप में या किसी के साथ मिक्स होकर कोई भी कलर देने के योग्य हैं, और जनरली हम लोग इसको याद रखते हैं R, G और B के साथ। तो ये रेड, ग्रीन और ब्लू जो हैं ये बेसिकली प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो R है, तो R प्राइमरी कलर है, G भी है और B भी है, लेकिन ब्लैक प्राइमरी कलर नहीं है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। बी जो है ये है ब्लू, ध्यान रखिएगा ब्लैक नहीं है, ये है ब्लू। तो डिस्क्रिप्शन में भी वही लिखा है, ब्लैक कलर जो है वो प्राइमरी कलर नहीं है, जबकि बाकी सारे प्राइमरी कलर हैं। याद करने का तरीका RGB, बी जो है वो ब्लू है, आर रेड है, जी है ग्रीन। प्राइमरी कलर क्या होता है? ये ऐसे ग्रुप ऑफ कलर्स हैं जो आपस में मिलकर कोई भी कलर नया प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं प्राइमरी कलर्स। तो दोस्तों अपने इस वीडियो में हम यहीं तक के सवाल का डिस्कशन रखेंगे। इसके अगले पार्ट में हम बचे हुए वर्षों के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ डिस्कशन से आपको हेल्प हो रही होगी और कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने में आसानी हो रही होगी। आप लगातार पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।